प्रदेश महतो ने सिल्ले विधानसभा के लगाम गांव स्थित बूथ संख्या 123 पर मतदान किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे सुदेश महतो अपनी पत्नी के साथ और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो मीडिया के सामने भी पहुंचे और ये बताया कि यही तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको मैंने भी सुनिश्चित किया है और वो तमाम लोगों को करना चाहिए जो झारखंड वासी हैं। मेरा वोट सिल्ली के विकास को गया है और झारखंड की उम्मीद को मैंने वोट दिया है। 5 वर्ष से रुका हुआ विकास को लोग लेके आना चाहते हैं, खींच के आना चाहते हैं, तो उत्साह चरम पर रहेगा। ऐतिहासिक मतदाताओं का रुझान देखा जा रहा है और ये रुझान लगभग हर बूथ पे है, बूथ पे है। मानो ये लोग इंतजार कर रहे थे कि ये मौका उन्हें कब मिले। तो देखिए सिल्ली में 36.17% यानी कि 36% से ज्यादा लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक अच्छा आंकड़ा सिल्ली से भरकर सामने आता हुआ जिसको लेकर के कहीं ना कहीं यहां पर ये खुशी जाहिर करते हुए भी नजर आए। सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई बूथों पर मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूथ संख्या 276 पर मतदाताओं को कम रोशनी की वजह से ईवीएम को देखने में परेशानी उठानी पड़ रही थी। शिकायत के बाद जनरेटर चलाकर परेशानी को दूर कर लिया गया, लेकिन इस बीच कई मतदाताओं ने राम भरोसे ही अपने वोट को डाला और इस वजह से नाराजगी भी निकलकर सामने आई। ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत हम 276 नंबर बूथ पर हैं। यहाँ मतदाताओं का कहना है कि जहाँ पर ईवीएम रखा गया है वहाँ अंधेरा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूरा अंधेरा है। यहाँ के पीठासीन पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा कि कम से कम लाइट का व्यवस्था करिए। पीठासीन पदाधिकारी नकार दिए, बोले कि हम नहीं व्यवस्था करेंगे। तत्पश्चात हम लोग बोले कि हम लोग वोट कैसे देंगे, इन लोग नकार दिए। अंततः मैं एसडीओ साहब निर्वाची पदाधिकारी को बोल के कहा कि कम से कम लाइट का व्यवस्था करिए ताकि वोटर लोग को चुनाव चिन्ह दिख सके और वोट मार सके। लोगों को काफी परेशानी है, उनका कहना है अंधेरा के कारण वो ईवीएम को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। विकास कुमार, न्यूज 18, सरायकेला खरसावां। तो नौशाद हमारे सहयोगी सिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिरमो से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और क्या कुछ स्थिति इस वक्त तक नजर आ रही है वो भी जानने की हम उनसे कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल कुमार सिन्हा साहब और डॉक्टर तनुज खत्री साहब। अनिल कुमार सिन्हा साहब, हर कोशिश हर वादा तब भी खामियां कई असरों पर नजर आई। अंधेरे में लोगों को अपने वोट को कास्ट करना पड़ा, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए ये प्रॉब्लम सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर और जिस स्टाफ्स हैं उन्होंने उस समस्या को दूर कर दी। 10 मिनट के लिए हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो, लाइट नहीं था, जनरेटर का इस्तेमाल तो शुरू हो गया, तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आती है, लेकिन ऐसा ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको इश्यू बनाया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब मतदाता यहाँ पर हर परेशानी के बाद, तमाम अपीलों के बाद जब पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए और उसके बाद उसको ये परेशानी उठानी पड़े तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है? हाँ बिल्कुल, ये परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो यही सुनिश्चित करने की तो कोशिश होनी चाहिए कि हर चरण में कम से कम ये व्यवस्था तो बदल जाए, क्योंकि हमने पहले और दूसरे चरण में भी ये देखी थी कि इस तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। बिल्कुल ठीक, परेशानियां तो कुछ होती हैं। चलिए रिटर्निंग ऑफिसर का जिम्मा है। नौशाद हमारे साथ सिल्ली से जुड़े हुए हैं और साथ ही बिरमो से अभिषेक जुड़े हुए हैं। नौशाद, चूंकि सिल्ली की जब हम बात करते हैं तो सिल्ली से तस्वीर जो परसेंटेज के रूप में है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। क्या ये माना जाए कि सिल्ली इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है? परसेंटेज प्रतिशत से तो यही जाहिर होता है। सुबह में हम जब यहाँ पे पहुँचे थे इस बूथ पे तो काफ़ी तादाद में लोग जो है पहले ही से जो निर्धारित समय था उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले से लोग यहाँ पे मौजूद थे और अभी भी हालांकि थोड़ा कमी हुई है, लेकिन बावजूद उससे जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जो है लगातार जारी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी भी कतार में लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग कतार में खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो है वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है बावजूद उसकी पे हैं। हम कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस ताकत लगा ले इनकी अब ये दलदल से निकालना रघुवर जी की बस की बात नहीं। तो हेमंत सोरेन को आपने सुना, हेमंत सोरेन का कहना है कि उनकी जो उम्मीदें हैं महागठबंधन की सरकार की वो बनती दिख रही है। कैमरामैन मुनमुन के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 कांची।
तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी से जुड़कर ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेता हैं, जो खास लोग हैं, जब मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद अपनी जीत को लेकर के आश्वस्तता खूब चेहरे पर नजर आती है, लेकिन जनता आज अपने स्वविवेक से अपने निर्णय को अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहां सुनिश्चित कर रही है। बिरमो से सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम बिरमो की बात करें तो इस वक्त क्या स्थिति नजर आती है? क्या ये कतारें जो सुबह शुरू हुई थी अभी भी उसी स्तर पर नजर आती हैं या ठंड की वजह से इसमें कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं विभाग, देखिए अब दिन काफी ढल चुका है और इस वक्त में जो धूप है वो काफी अच्छी से खिली हुई है। और देखिए एक सीधी तस्वीर हम आपको कैमरामैन शाहनवाज को कहेंगे कि दिखाएं, हम जहां पहुंचे हुए हैं ये बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय है और यहां तीन बूथ है, 248, 249 और 250। सुबह से जब मैं यहां पहुंचा था तो तकरीबन 100 से 150 मीटर लंबी कतारें लगी हुई थी और दूसरी तरफ भी महिलाओं की काफी कतार थी। अब पुरुषों की अभी भी कतार बड़ी है, अब देखिए कि कितनी लंबी कतार है। और ये फुसरो जहां पे हम हैं बिरमो, यहां शहर से करीब 2.5-3 किलोमीटर अंदर में है, तो गांव के भी लोग यहां पे आए हैं। ये पिछड़ी पंचायत है तो यहां पे काफी संख्या में अभी भी देखिए वोटर्स यहां पे मौजूद हैं और महिलाएं हैं, देखिए गांव के ग्रामीण महिलाएं यहां पे आई हुई हैं वोट करने के लिए और इनका उत्साह साफ देखते बन रहा है। और कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं क्योंकि हमारे यहां पे आरपीएसएफ के जवान लगाए गए हैं और सैनिक बल लगाए गए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सीनियर जो सिटीजन है वो भी यहां मतदान करने के बाद बाहर निकले हैं। चलिए जरा सा उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, मतदान कर लिया आपने? जी 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 कर लिया। अच्छा, तो सबसे पहले मतदान किया आपने? जी जी जी। क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? इस इलाके के सबसे बड़े मुद्दे है जो हमारा डीआरडी आरडी परियोजना जो लंबित है, पिछली कॉलेडी जो विगत 10 वर्षों से बंद है वो खुलनी चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्याज सभी को रुला रहा है। अच्छा। इससे माँ बहन बेटियां भी परेशान है। जी, हम जी, चाहते हैं कि है ना थोड़ा सा महंगाई पर, प्याज पर और रोजगार पर सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा, अन्यथा पब्लिक। आपकी बात पहुंच गई है। जी, आप बताएं। सर जी, वोट दे दिए हैं तो आपके किस गांव से आते हैं? बस पिछड़ी गांव से। अच्छा, पिछड़ी, तो पिछड़ी नाम का ही है कि सचमुच पिछड़ी हुई है? ना, पिछड़ी आगे है सर, लेकिन अर्थव्यवस्था देखिए, ये जो लोगों के बयान है वो ये बताते हैं कि बहुत कुछ बदला है। भले जगह का नाम पिछड़ी हो लेकिन पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, लोगों की सोच भी काफी आगे है और इसीलिए लोग सुबह से ही कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सहयोगी नौशाद का रुख करते हैं, सिल्ली से हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं। सिल्ली की सुखद तस्वीरें भी दिखाई और इस वक्त जब कतारें थोड़ी छोटी हुई हैं तो सवाल यही उठता है नौशाद की, जब दिन चढ़ रहा है तब तो धूप खिल रही है, लोगों की ये लाइन ज्यादा लंबी होनी चाहिए बनिस्पत जब सुबह ठंड ज्यादा थी? देखिए विवाह, एक तो वजह यह है कि जो कि ग्रामीण का इलाका है, वहाँ पे ग्रामीण जो पहले उठ जाते हैं सुबह में, वो सुबह सवेरे जो है वो पहले मतदान फिर जलपान का जो वो चाहते हैं कि वो उसको अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाए जाए और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें जो है ना वो हिस्सा ले, तो वो ऐसे लोग जो है जो दूसरे दिनचर्या में जाना चाहते हैं वो इससे जो है मतलब व्यस्त होकर के इसमें अपना काम करने के बाद वो जो है यहां से अपने दूसरे कामों में अपने लग गए, तो ऐसे लोगों की तादाद काफी थी। और उसके बाद जो है ना जो लोग आने का सिलसिला जो शुरू हो रहा, तो जो सुबह में उठने के बाद यहां पे जो धीरे धीरे उनकी तादाद संख्या जो है ना आ रही है, लेकिन ये जो है लगातार उनकी संख्या जो है ना देखने को मिल रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जागरूक जरूर है, जो अभियान जो चलाए गए थे, जो वोट की ताकत जो महसूस कर रहे थे उसका जो है ना जरूर यहां पर देखने को मिल रहा है ये नजारा। हम कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे, बात करने के उनसे कि सुबह में जो है ना काफी भीड़ थी लेकिन अब जो है ना भीड़ थोड़ी कमी हुई है, क्या लगता है आपको कि वो जागरूकता है उनके अंदर? नहीं, बिल्कुल जागरूकता है और गांव का वोट जो जितने लोग हैं बाहर से भी आए हैं सभी लोग वोट करेंगे। अभी थोड़ा नाश्ता पानी का समय हुआ है और थोड़ा भीड़ भी है लेकिन गांव का वोट 100% वोट होगा यहाँ। नहीं, सुबह में तो ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी लेकिन अब जो है ना तादाद में कमी है, तो क्या ऐसा लगता है? ये अभी बीच का समय जो है थोड़ा नहाने धोने का समय है, फिर जो है हम लोग 11-12 बजे के बाद फिर से हम लोग
पूर्ण मतदान के लिए हम लोग गाँव में अभियान भी चलाए। वोट को लेकर के सारे लोग जागरूक हैं? बिल्कुल 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 100% लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है सभी लोग हिस्सा लेने। आपने देखा भी होगा कि कुछ वृद्ध लोग जो असमर्थ हैं चलने फिरने में, उन वो भी आए हैं मतदान के लिए, है ना। कुछ जो साफ है कि जो इंतजाम किए गए उससे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और लोगों की तरफ से भी ये सजगता जो है वो नजर आ रही है कि लोग ये चाहते हैं कि पहले हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बाकी तमाम दूसरे काम बाद में किए जाएं। गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएमएम नेता सुजीत उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सवाल आपसे ही है कि जो वोटिंग परसेंटेज तमाम जगहों से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो अपडेशन के तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? सुजीत उपाध्याय साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये था सुजीत उपाध्याय जी कि वोटिंग परसेंटेज जो तमाम जगहों से सामने आ रही है, उसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, जनता के मिजाज को आप कैसे भापेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आग्रह करना चाहेंगे तमाम जनता से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, कि आप अपने घर से निकलिए और निकल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और सबसे आपने सवाल किया कि जो जनता निकल रही है, जो पब्लिक वोट देने के लिए निकल रही है, वो अभी ठीक ठाक ही निकल रही है और कोशिश यही करना है कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग अभी घरों में बैठे हुए हैं वो घर से निकले और वोट डालने के लिए जरूर जाएं और हर हाल में जाएं। बिल्कुल। अनिल कुमार सिन्हा साहब, क्या ये माने कि पिछला रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा? लोगों को इतना भरोसा, इतना यकीन है, क्योंकि देखिए जनता सजग होती है, जागरूक होती है, वो अपने दायित्व को निर्वहन करती है, लेकिन जब नेता इसमें पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जो है उदासीन भी हो जाती है। मैं सहमत हूं आपके बात से, लेकिन ये उचित नहीं लगता कि इस महापर्व में शहरी क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे और पिकनिक मनाए और वोट देने के लिए ना निकले और सरकार के क्रिटिसाइज करें। इन लोग को सरकार को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक अपना ये वोट का अधिकार प्रयोग नहीं करते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है जो वोटर का परसेंटेज घट रहा है, बहुत अफसोस की बात है। यानी कि और इस वक्त अजयनाथ सहदेव क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। लोग रघुवर दास की सरकार, जो एक अहंकारी सरकार, एक आम लोग कहते हैं कि सरकार लगातार अहंकार में दिखती है, आम लोगों के बीच में काम नहीं हुआ है, जो बुनियादी वर्क है, जो बिल्कुल बेसिक काम है, उस पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे रही है। युवा रोजगार के लिए परेशान रहा है, उसके लिए सरकार ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं। शहरी क्षेत्र में आप जाइए तो शहरी क्षेत्र में जो नगर, तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।